सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। मंत्री पद के दावेदारों को अभी विधानसभा सत्र खत्म होने तक और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के मंत्री बनने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। यानी कि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि जो पुराने चेहरे हैं, जो कद्दावर नेता है, क्या उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र 18 से लेकर 21 दिसंबर तक चलना है, तो वही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र 19 से लेकर 21 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा। तो इंतजार है तमाम नेताओं को कि क्या कैबिनेट में उनको मौका मिल पाएगा। जो उम्मीदें पाले बैठे थे कि शायद हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, इतना लंबा राजनीतिक करियर है, तो पार्टी कुछ बड़ा मौका या कुछ बड़ा विभाग उनको दे सकती है, बड़ा पद दे सकती है, तो उनके लिए भी ये खबर उन्हें चौंका सकती है कि पार्टी कैबिनेट के विस्तार में भी चौंकाने वाले नामों को मौका दे सकती है। यानी कि ऐसे नेताओं को जो कि अनपेक्षित थे, जिस तरह से अनपेक्षित जो परिणाम मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर आए सामने, ठीक उसी तरह ये जो नाम है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं।